अच्छा ताऊ जी, कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूं। अबे खोजू कहीं के, कल तेरी शादी हुई है और आज तू ऑफिस जा रहा है? ताऊ जी, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये शादी। तू जानता है, मैं जानता हूं, लेकिन लोग तो नहीं जानते। लोग क्या कहेंगे? ताऊ जी, लेकिन अगर आज मैं ऑफिस नहीं गया तो आप ही सोचिए, माया क्या सोचेगी? अरे माया तेरे से ज्यादा समझदार है, वो सब समझ जाएगी। अगर वो तेरी जगह होती तो वो भी ये हिमाकत नहीं करती, समझा? चल ताऊ जी, ताऊ जी आज मेरा क्लाइंट आने वाला है, बहुत जरूरी मीटिंग है, अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं तेरा ताऊ हूँ या तू मेरा ताऊ है? चल, मैंने कह दिया ऑफिस नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना शोर क्यों हो रहा है? और विशाल, आप ऑफिस नहीं गए अब तक? ताऊ जी आपने भी इन्हें बातों में उलझा दिया। अब एक बात आप दोनों सुन लीजिए, आज तक इस घर में जो हो रहा था वो अब नहीं होगा, अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ, ठीक है? और आप, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा पति निकम्मा और आलसी हो, समझे? चलिए अब आप ऑफिस जाइए। ताऊ जी मुझे बैग दीजिए, ताऊ जी लीव राइट नाउ। थैंक्स। ताऊ जी अब आप क्यों गुस्से में खड़े हैं? अब आप ये रॉब वॉब झाड़ना छोड़िए और जल्दी से मुस्कुरा के क्यूट से बन जाइए। चलिए जल्दी से स्माइल। That's like my cute ताऊ जी। ताऊ जी फोन उठाना, मालकिन है तू घर की। सिचुएशन अच्छा हैंडल कर लेती है। हेलो हेलो, कौन? तृष्णा। माँ कैसी हो? माँ मैं अच्छी हूँ, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। माँ मैं बहुत खुश हूँ, I'm really very happy। माँ आपको पता है ताऊ जी, he is great, और विशाल, माँ विशाल is adorable, और वो संस्कारी, he is just fantastic। माँ माँ मैं भगवान से इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकती थी। तेरी करनी कभी कभी समझ के बाहर हो जाती है। सुनील, वो जरदोजी वाले को बुला लिया आपने? ओह नो, मैं भूल गया, अभी फोन करता हूँ। माया चेयर अप, विशाल नहीं आएगा आज। मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, तुम आ रही हो मेरे साथ? I'm sorry माया, वो गुड मॉर्निंग विशाल। गुड मॉर्निंग। मुझे लगा तुम नहीं आओगे आज। क्यों? वो एक्चुअली मिस्टर कपाड़िया के सैंपल्स तैयार हैं, उन्हें लेकर मेरे कैबिन में आना। इतनी देर क्यों लगा दी विशाल? You know I was missing you so much। माया ये ऑफिस है। लेकिन विशाल तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा था। पहले बात कुछ और थी माया, आई मीन तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है माया। यस करण, सैंपल्स ले आया तुम? मिस्टर सेठ हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? हाँ भेज दो। माया मिस्टर सेठ आए हैं। ओ हाँ।
हेलो मिस्टर विशाल, कांग्रेचुलेशंस। अरे आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर मैरिज सर। इट्स ऑल राइट मिस्टर सेठ। बाय द वे, हु इज दैट लकी गर्ल? आइए बैठिए ना। हेलो, हाँ कहिए डॉक्टर साहब। जस्ट होल्ड ऑन। बहू, बेटी। जी आई। ताऊ जी, अब या तो मुझे बहू बुलाया कीजिए या बेटी। बेटी नहीं ताऊ जी, आप मुझे बहू बुलाया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। चलो बहू, तेरे डॉक्टर का फोन है। हेलो जी, डॉक्टर सैगल जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर साहब, वो छोटा सा फंक्शन था इसलिए। जी मुझे याद है कि मुझे आज शाम के अपॉइंटमेंट के लिए आना है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगी। जी जी, मैं दवाई भी टाइम पर ले रही हूँ। जी डॉक्टर, वो जब प्रॉब्लम होती है तो मैं वो वाली दवाई भी ले लेती हूँ। अब ठीक है, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। जी क्या हुआ ताऊ जी? पता नहीं लोग मुझे हमेशा इस बात का एहसास क्यों दिलाते हैं कि मैं बेटी, ये डॉक्टर तो कुछ भी बकते हैं, इंसान की जिंदगी इनके हाथ में थोड़ी ही है। अगर इनके हाथ में होती तो भगवान से विश्वास ही उठ जाता। बेवकूफ कहीं के, ऐसे ही डराते रहते हैं सबको। बेटा वो तू कह रही थी ना तुझे शतरंज नहीं आती, चल आज शतरंज सिखाता हूं तुझे। चल देख, ये जो है ये है हाथी, और ये घोड़ा, और ये ऊंट, और ये जिराफ, ये ज़ेब्रा, और ये छछुंदरी, और ये बंदरी। देख सीरियसली देख, ये प्यादा जो है ना, ये एक घर भी चलता है और दो भी। हाथी बिल्कुल सीधा चलता है, और घोड़ा ढाई घर चलकर। ताऊ जी आपको पता है, मेरे पापा मेरे पैदा होते ही गुजर गए थे। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि पाप का प्यार क्या होता है। I always wished I had a father like you, ताऊ जी। बेटे, मैं हूं ना। ये बंदा अकेला कितना काम कर सकता है, इतनी टेंशन के अंदर कितने काम। क्या कर रही हो तुम ये? कॉफी पी रही हूँ। कॉफी पी रही हो, वेरी गुड। तुम्हारा कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई खाना खा रहा है? काम के अलावा बाकी सारे काम होते हैं, तो ऑफिस में अकेला कैसे सब कुछ संभालूंगा मैं। मुरली एक कप ले जाओ। मुरली। जी मैडम। कहाँ रहते हो तुम आजकल? थोड़ा वो काम। ये कप पकड़ो। अच्छा ठीक है। Anything wrong, Maya? Nothing. I understand, Maya. मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। But don't worry. माना कि कृष्णा बहुत खूबसूरत है, अच्छी लड़की है, पर विशाल कभी भी उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। You really think so, करण? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होगा? हाँ माया, मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान को तुम्हारा प्यार मिले
मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। You're so special. I mean it. Excuse me. Hello, Fox Exports. जी हाँ, one मिनट सर, आपके लिए घर से फोन है। हाँ ताऊ जी, बोलिए। अरे तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? हाँ ताऊ जी, एक मीटिंग हो गई है और दूसरी शाम को है। बेटे, तुमने सुबह मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? नो ताऊ जी, इट्स ओके। देखो, बस मैं इतना ही बताना चाहता था कि शादी के बाद इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम तृष्णा का ख्याल रखो। ताऊ जी, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तृष्णा को दुखी देखना चाहता हूं, लेकिन आप एक बात जान लीजिए ताऊ जी, मैं माया से प्यार करता हूं, सिर्फ माया से। वो मैं जानता हूं बेटे, पर तृष्णा अब तुम्हारी बीवी है, उसकी तरफ भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है। और फिर ये मत भूलो कि उसने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन ताऊ जी, मैं कहां अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहा हूं। देखो, शाम को जल्दी घर आ जाना, आज तृष्णा के डॉक्टर का फोन आया था, वो तृष्णा के लिए बहुत परेशान है। तुम शाम को आकर उसे डॉक्टर के पास ले जाना, मुझे बहुत खुशी होगी। जी ताऊ जी। Come on girls, 5 बज गए, 6:45 की पिक्चर है, मैनेजर साहब आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। कल कर लेना, किसी को पता नहीं चलता। ये ठीक है, चलिए, come on। ये ठीक बात नहीं है। मिस आयशा, अगर आप अपना काम खत्म किए बिना गई ना, तो एक बात याद रखें, कल से ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है, इस ऑफिस का रास्ता ही भूल जाएं। पैदा बात सुनो जरा, क्या चल क्या रहा है? लड़कियों को बरगलाना बंद करें आप, यू टेक केयर, निकाल दूंगा ऑफिस से, सबको निकाल दूंगा। सबको निकाल देंगे तो काम कौन करेगा, इनका मामा। चले विशाल। कहा? अरे हम दोनों साथ डिनर पर जाने वाले थे ना। माया, मुझे घर जाना होगा। क्यों? तृष्णा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, डिनर पर हम कल चलेंगे। पर विशाल, हम दोनों भी साथ बहुत दिनों से बाहर नहीं गए। माया भी पिछले संडे को तो गए थे। लेकिन उस बात को तो एक हफ्ता हो गया ना विशाल। माया, मैंने कहा ना, आप तृष्णा को डॉक्टर के पास लेके जाना है। लेकिन विशाल, तृष्णा डॉक्टर के पास अकेले जा सकती है, या फिर ताऊ जी या संस्कारी उसको ले जाएंगे, और तुम्हारा जाना इतना जरूरी क्यों हो गया है? माया, मुझे जाना होगा, ताऊ जी ने खुद फोन करके मुझसे कहा है, अगर अब मैं नहीं गया तो उनको बुरा लगेगा। माया, माया, तृष्णा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम उसके लिए जितना भी करें वो कम है। अब उसे अगर मैं डॉक्टर के पास ले भी गया तो उसमें क्या हर्ज है? I'll see you tomorrow, bye। और हाँ, तुम मुझे फोन मत करना, मेरा मोबाइल ऑफ रहेगा। क्यों? माया, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, खाम खा डिस्टर्बेंस होगी, मैं तुम्हें रात को फोन करूंगा, तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, बाय। पल भर में सब खो कर भी हम जी लेंगे, तू कहे अगर। कैसे हैं जजमान, सब शुभ मंगल तो है? अब क्या शुभ है और क्या मंगल, ये तो वही जानता है। क्या बात है नंदा साहब, आज आप बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? पंडित जी, विशाल और तृष्णा की शादी जिस हालात में हुई, वो बात तो आपसे छिपी हुई है नहीं। बिल्कुल छिपी हुई नहीं, और सच कहूं नंदा साहब, तो इतने वर्षों में मैंने अनेक विवाह करवाए, कोई 500-600 वर वधुओं ने मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ किया, किंतु प्रभु की ऐसी अद्भुत लीला पहली बार देखने को मिली।
सच कहूं नंदा साहब तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको अपने पुत्र के संकट का समाधान मिल गया और प्रशंसा योग्य है आपकी पुत्र वधू तृष्णा जिसने इतने सारे लोगों के सुखमय जीवन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरे प्रभु से यही प्रार्थना है यही कामना है कि उसका बाकी का जीवन सुखमय हो। और अंत पीड़ा मुक्त रहे। पंडित जी यही बात तो मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। इसी दुविधा में तो मैं उलझा हुआ हूं। मुझे लगता है पंडित जी मैंने शादी के लिए हां करके बहुत बड़ा पाप कर दिया। नहीं जजमान नहीं, जिस कर्म में सामाजिक सामूहिक भलाई निहित हो वो कर्म पाप नहीं होता छल नहीं होता। प्रभु जो करते हैं सबके मंगल के लिए करते हैं। आपका भी मंगल होगा आप निश्चिंत रहिए। अरे माया तुम अकेले? विशाल कहाँ है? वो चले गए। ओ, हाँ मैं तो भूल ही गया था उसकी शादी हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है करण, वो तृष्णा को हॉस्पिटल लेके जाना था ना इसलिए। ओह वेल आई एम सॉरी, पर वो तुम्हें तुम्हारे घर तो छोड़कर जा ही सकता था ना। तुम्हारा घर है कितनी दूर? एनीवे तुम दो मिनट रुको मैं फाइल्स छोड़कर आता हूँ फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इट्स ऑल राइट करण, मैं अकेली चली जाऊंगी। डोंट वरी माया, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है करण, मैं ऑफिस से घर तक के फासले को अकेले चलकर महसूस करना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि विशाल के बिना ये रास्ता कितना सूना लगता है। ठीक है, बट डोंट मेक इट अ हैबिट, आदत मत डाल लेना वरना विशाल तुम्हें रोज यूं ही छोड़कर चला जाएगा। बाय।